तो आप देख रहे हैं भगवान प्रार्थना जी जागरूक है। वो कहाँ जूम करिए भारत मिला जो चरण चिन्ह मंदिर का है, इसी के अंदर उन जिनके चरण चिन्ह रखे भगवान भरत जी रखा गया, आप यहाँ आपको दिखा रहे हैं। और सिंह सिंह ये ऐतिहासिक जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये बराग श्री हनुमान जी जो परिक्रमा में सबसे विशेष रूप रखते हैं। आइए हम रूबरू करवाते हैं यहाँ के जो संत हैं और इस क्या प्रताप है, कैसा क्या है, लगे हाथ बोले हुए हैं। सबसे पहले तो आप कहना मैं चाहूँगा कि दिखाना चाहे कि किस प्रकार से यहाँ पे कब से कैसा है। हम सीधे रूबरू करते हैं बाबा जी से, चरणों में प्रणाम है जी, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। मैं बोले ये काम मंदिर का तीसरा दरवाजा है, काम मंदिर के चार दरवाजे हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जब भगवान रामचंद्र जी आए हैं एक पार्वती की पूजा किया है, कांतानाथ जी की पूजा करके, और इस दरवाजे से भगवान का आना जाना होता है, उनकी सेवा में हनुमान जी है, और हनुमान यही से होता है और आगे सरयू धारा पड़ेगी चौथा दरवाजा। उस दरवाजे में जो है सरयू साथ साथ माता जानकी के स्नान के लिए आई हैं। ये भगवान के समय से विराजमान है हनुमान जी और निरंतर चित्रकूट में बात करते हैं। तुलसीदास जी अयोध्या काशी मथुरा सब जगह गए, भगवान चित्रकूट में ही दर्शन हनुमान जी ने चित्रकूट में तुलसीदास जी को दर्शन भगवान से कराया। जब प्रागराज तीर्थ को भगवान ने राजा बनाया तो प्रागराज तीर्थ कहते हैं कि सब तीर्थ को आए चित्रकूट को वर्धन नहीं आए, तो भगवान फौरन कहते मैं अपने घर का राजा नहीं बनाया, चित्रकूट को वर्धन मेरा निधाम है, निरंतर मैं रहता हूँ। तो चित्रकूट में हमेशा रामचंद्र जी बात करते हैं, उनकी सेवा में हनुमान जी रहते हैं। जितने भी संत साधना किया यहाँ से साधना करके सिद्धि प्राप्त किया, यहाँ से साधना करके हनुमानगढ़ी अयोध्या संत साधना करने वहाँ से आए, यहाँ से साधना करके हनुमान जी अयोध्या गए हैं।